नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा आदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रताप अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम त्रिलोक अष्ट मुक्ति वेदांत नारायण वश्य महाराज जी के चरण कमल आनंद वृंदावन। कल हम लोग सुना था क्या, कौन सा कुंड? माल्यहारिणी कुंड। कैसे माला बनाया, मोती उगाया कृष्ण। राधा रानी ने फिर मांगा कृष्ण की मोती, एक उनके मोती में तो कांटे निकल आए, तो कृष्ण से मोती मांगा तो कृष्ण ने मना कर दिया। और फिर बहुत गिड़गिड़ाने से वो तो थोड़ा सा तो दे दो ऐसा कहा, तो कृष्ण कहते उसके बदले में हमारा दासत्व तो स्वीकार करो, तुम हमको खाना पीना लड्डू कचौड़ी ये सब दो, हमारा हाथ पैर दबाओ तब हम तुमको मोती दें। समझ में आया? तब मोती दिया ऐसे करने से। तो श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के प्रसिद्ध घाट, राधा कुंड और श्याम कुंड के प्रसिद्ध घाट श्री गोविंद घाट, यह श्री राधा कुंड के पूर्व तट पर स्थित है। क्या घाट है? घाट का नाम गोविंद घाट। राधा कुंड के पूर्व दिशा में स्थित है। श्री सनातन गोस्वामी इसी घाट पर श्रीमती राधिका को झूले पर झूलते हुए देखकर श्री रूप गोस्वामी महाराज जी के चाटू पुष्पांजलि का प्रशंसा किया। इसी घाट पे राधा रानी झूल रही थी, जो कल बता रहा था बेणी में सर्प जैसे दिखाई दे रहा था वो इसी घाट पे हुआ था। इस घाट का नाम क्या है? गोविंद घाट। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी भी बिहारी के मंदिर के मध्य स्थित है। बिहारी जी के मंदिर है ना वहाँ, उसके मध्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी का भजन कुटीर भी है। उसके बाद है दूसरा घाट श्री मानस पावन घाट। श्याम कुंड के वायु कोण में स्थित है यह घाट। श्रीमती राधा जी को अत्यंत यह घाट प्रिय है। यह घाट राधा रानी को बहुत प्रिय है। पंडित जी राधा रानी को बहुत प्रिय है। पंच पांडव घाट, यह घाट श्री राधा कुंड के उत्तर में मानस घाट के संलग्न में है। मानस घाट के बराबरी कौन सा घाट है? पंच पांडव घाट है। पांडवों ने जो रघुनाथ दास गोस्वामी को वृक्ष रूप में भजन कर रहा हूं ऐसा पांडवों ने कहा था, इसी घाट पर एक प्राचीन छहरा वृक्ष है। छहरा वृक्ष मतलब प्राचीन छहरा वृक्ष है। अरे छहरा वृक्ष है। ब्राह्मण रूप में श्री गदाधर चैतन्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। ये वृक्ष कहाँ पे है? गदाधर चैतन्य मंदिर में प्रवेश द्वार में स्थित है। उसके बाद है मधुमंगल घाट। इस घाट के ऊपर मधुमंगल नानंद नामक मधुमंगला जी का कुंज है। जो मधुमंगल कुंज किसको दे दिया था? ललिता सखी को, ललिता सखी को दिया था, अर्पण किया था। किसको दिया? ललिता सखी को अर्पण किया।
इस घाट पर हित हरिवंश की भी बैठक है। इसी घाट पे, मधुमंगल घाट पे हित हरिवंश का भी बैठक है। श्री जीव गोस्वामी घाट, यहीं पर ऊपर श्री जीव गोस्वामी की भजन कुटी है। वे प्रतिदिन इसी घाट पर स्नान करते थे, जीव गोस्वामी का घाट जो है। गया घाट इसका नामांतर धन माधव घेरा घाट भी है। इसी के ऊपर श्री माधवेंद्रपुरी बैठक एवं हरिनाम व्यास जी की भजन स्थली है। हरिनाम के व्यास जी कौन है? हरिनाम व्यास जी के भजन स्थली, हरिनाम व्यास जी मतलब हरिदास ठाकुर, उनके भी भजन स्थली। अष्ट सखी का घाट, यह गया घाट के तमाल तला के मध्य में स्थित है। जो गया घाट है, वहाँ जहाँ माधवेंद्रपुरी का बैठक, उसी के पास में ही तमाल तला के मध्य में अष्ट सखियों का घाट स्थित है। तमाल तला के घाट, यह श्याम कुंड के दक्षिण तट पर स्थित है। जो श्याम कुंड है उसके दक्षिण तल पे स्थित है। इसी घाट के ऊपर तमाल वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने बैठे थे। इसी घाट पे आके महाप्रभु बैठे थे। जहाँ महाप्रभु का मंदिर नहीं है, वहाँ वो मंदिर ही तमाल तला घाट है। मंदिर में जहाँ महाप्रभु बैठक बोलते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु। गांव वाले से पूछा राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में, तो बता नहीं पाए, गौरी खेत और श्याम। फिर महाप्रभु ने उसका नामकरण किया, क्या? राधा कुंड और श्याम कुंड। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने पक्का घाट बनवाया। श्री बल्लभ घाट, यह तमाल तला से पश्चिम में श्याम कुंड के दक्षिण तट पर अवस्थित है। बल्लभ घाट जहाँ वल्लभाचार्य अपने परिकरों के साथ भागवत का कथा श्रवण कराते थे, गायन करते थे, प्रतिदिन इस घाट पे स्नान भी करते थे, है ना? श्री मदन मोहन घाट, इसी घाट के दक्षिण भाग में मदन मोहन जी का मंदिर है। वहाँ मदन मोहन घाट है, दक्षिण दिशा में मदन मोहन जी का मंदिर है। रंगम संगम घाट, ये दोनों कुंडों के मध्य स्थित है। संगम घाट है ना, बीच में, राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में नहीं है, संगम घाट बोलते हैं, वहां स्थित है। इसके नीचे से पानी आर पार होता है, परस्पर संगम होता है। यह जुगल श्री राधा युगल की नित्य लीला योग पीठ है। राधा कृष्ण के नित्य योग पीठ है। वैष्णव लोग सबसे पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं, उसके पश्चात श्याम कुंड में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। उसके बाद है रासवाड़ी घाट, यह श्री राधा कुंड के दक्षिण भाग में स्थित है। इस घाट पर रास मंडल स्थित है। वृंदावन के जो रास मंडल है वो इसी घाट पे स्थित है। फिर है झूलन घाट, यह राधा कुंड के पश्चिमी तट पर स्थित है। झूलन घाट राधा कुंड के पश्चिमी तट पे स्थित है। यहाँ झूला झूलते हैं राधा कृष्ण। आज भी राधा कुंड की ब्रज रमणियाँ बड़े समराहों के साथ झूला झूलाती हैं राधा कृष्ण को। इस घाट का दूसरा नाम है राधा कृष्ण घाट। इस घाट का दूसरा नाम क्या है? राधा कृष्ण घाट। श्री जाह्नवा घाट, जहाँ जाह्नवा ठाकुरानी
राधा कुंड के उत्तर में स्थित है। नित्यानंद प्रभु की शक्ति जाह्नवा देवी, जाह्नवा ठाकुरानी के स्नान करने का घाट भी यहीं पर स्थित है। उनके नीचे है ना गुफा सा, उसमें स्नान करने का घाट भी वही है। तो वह बैठक विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है वह बैठक। श्री वज्रनाभ कुंड, यह कुंड श्याम कुंड के मध्य में स्थित है। श्याम कुंड है ना जो, उसके बीचों बीच, उसके बीचों बीच है, कुंड के बीचों बीच है। क्या है? वज्रनाभ कुंड। और श्री कंगण कुंड, श्री राधा जी के सखियों के सहायता से अपने कंगनों के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया था, इसलिए श्री राधा कुंड के बीचों बीच यह स्थित है। ये कंगन कुंड भी जो राधा कुंड है उसके बीचों बीच कंगन कुंड स्थित है। ये टोटल कितने हो गए? 16 हो गया। श्री राधा कुंड के दक्षिण में अत्यंत प्राचीन रास मंडल है। राधा कुंड के दक्षिण में अत्यंत प्राचीन रास मंडल है, जहां पर रास मंडल वेदी बनी हुई है, जहां पर रास मंडल वेदी भी बना हुआ है। ये कहां पे है? राधा कुंड के दक्षिण साइड में। और श्री राधा कुंड के ईशान कोण में गोविंद मंदिर के पीछे यह रास मंडल है। राधा कुंड के ईशान कोण गोविंद मंदिर के पीछे ये रास मंडल है। ग्राम के उत्तर में भानुखोर के दक्षिण में यह है। तो श्री श्याम कुंड के उत्तर में राधा वल्लभ घाट के उत्तर में यह रासमंडल है। रासमंडल कहाँ पे है पूरा बता रहे हैं डिटेल्स से कि रासमंडल कहाँ है। नंदी घेरा में रासमंडल है, नंदी घेरा ललिता बिहारी जी में यह रासमंडल है। मतलब इतने एरिया तक रासमंडल आता है, ऐसे बता रहे हैं। श्री राधा कुंड के क्षेत्रपाल महादेव, राधा कुंड के क्षेत्रपाल महादेव कौन कौन है? श्री राधा कुंड के नैऋत्य कोण में कुंडेश्वर महादेव है। क्या है? कुंडेश्वर महादेव। पश्चिम में विश्वखोर के उत्तर में महादेव, श्री राधा रमण जी के मंदिर के मंदिर में एक महादेव, श्याम कुंड के उत्तर में एक महादेव है, और श्याम कुंड के अग्निकोण में बनखंडी महादेव है, और माल्यहारी हारिणी कुंड पर मही महेश्वर महादेव है, और वल्लभाचार्य जी के बैठक के पश्चिम भाग में भी एक महादेव है। टोटल ये 7 महादेव राधा कुंड में स्थित है। कितने महादेव हैं? 7 महादेव राधा कुंड में स्थित है। ये 7 महादेव इसलिए हैं, क्षेत्रपाल के रूप में हैं महादेव। अब श्री गोवर्धन परिक्रमा, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन के नेत्र स्वरूप है। राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है? गिरिराज जी के नेत्र स्वरूप है। गिरिराज जी के यही सर्वश्रेष्ठ अंग है। गिरिराज जी का सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है? राधा कुंड और श्याम कुंड। परिक्रमा आरंभ करने से जो कृष्ण लीला स्थलियां दर्शनीय है उनका नीचे उल्लेख किया जाएगा। अब नीचे इसका उल्लेख कर रहे हैं कहाँ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। मुखराई राधा कुंड के दक्षिण में 1 मील की दूरी पर स्थान है मुखराई। मुखराई कौन है?
श्री राधा जी के माता मही मतलब जानते हैं, नानी, माता मही मतलब नानी, वृद्धा मुखराई जी वासस्थान है, ये मुखराई जी का वासस्थान है, इसलिए उस गांव का नाम भी मुखराई हो गया। यशोदा जी को बाल्यावस्था में इन्होंने दूध भी पिलाया था, मुखराई जी ने यशोदा मैया को दूध भी पिलाया बाल्यावस्था में, क्योंकि राधा रानी की माँ है तो कृष्ण के माँ कौन, यशोदा। राधा रानी की माँ जब माँ होगा तो कृष्ण, ये भी उनके माँ के बराबर है, तो दूध इसलिए पिलाया। माता मही मुखरा कौतुक बस श्री श्री राधा कृष्ण युगल किशोर किशोरी का अलक्षित रूप से मिलन कराकर बड़ी प्रसन्नता होती, क्या करती कभी कभी राधा कृष्ण को मिलाती और मिला के बड़े प्रसन्न होती। ऐसे मुखराई कौन, नानी, उनकी नानी राधा कृष्ण से मिला के बड़ी ही प्रसन्न होती। तो महाराज वृषभानु महाराज जी के ये कौन है, सास, और कीर्तिका मैया का माता है। ब्रजवासी इनको बड़ाई मान से पुकारते थे, बड़े ही मान से पुकारते थे सभी ब्रजवासी। प्रतिदिन प्रातःकाल बड़ी उत्कंठा से श्रीमती राधिका एवं कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। प्रतिदिन रोज सुबह उठ के सब काम छोड़ के सबसे पहले क्या करती थी, राधा कृष्ण को देखने आती। कौन, नानी, इतना प्रेम। तो मुखरा देवी का दर्शन भी है, यहाँ क्या है, मुखरा देवी का दर्शन है। कितने किलोमीटर की दूरी पे है, 1 मील की दूरी पर है राधा कुंड से। कितने मील की, 1 मील कितना होता है, रत्न सिंहासन, यह श्री राधा कुंड के राधा कुंड से गोवर्धन की और परिक्रमा मार्ग में 1 मील की दूरी पर कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है। जो रत्न सिंहासन है वो कहाँ स्थित है, कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ लीला प्रसंग इस प्रकार है, विश्व चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण एवं बलराम गोप रमणियों के साथ विचित्र रंगों की पिचकारियों के साथ परस्परस होली खेला करते थे। यहाँ पे क्या करते थे, परस्परस मृदंग मजीरे वीणा आदि वाद्य यंत्रों के साथ बसंती आदि रागों से मधुर संगीत भी चल रहा था। श्रीमती राधिका जी पास ही रत्न सिंहासन पर बैठ गई। उसी समय कुबेर का अनुचर शंखचूर्ण भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझकर परम सुंदरी इन गोप ललनाओं का हरण करने के लिए चेष्टा करने लगा। गोपियां राम और कृष्ण को पुकारती हुई आर्तनाद करने लगी। किसको हरण करने लगे थे, गोप रमणियों को, समस्त गोप रमणियों को हरण कर। कृष्ण ने बड़े वेग से दौड़ के शंकरचूर्ण का वध कर दिया। कृष्ण क्या किया, एक क्षण में शंकरचूर्ण का वध कर दिया, शंकरचूर्ण का वध कर दिया। इसके मस्तक से मणि निकाल के बलराम जी को दिया, और बलराम जी ने किसको दिया, धनिष्ठा सखी को दिया, और धनिष्ठा सखी ने किसको दिया, श्रीमती राधा जी को दिया। तो सिंहासन का स्थान है, ये वही सिंहासन का स्थान है जहाँ राधिका जी बैठी थी। ये कौन सा सिंहासन है, रत्न सिंहासन। क्या है, रत्न सिंहासन।
रत्न सिंहासन का मतलब क्या है? हाँ, इसके बाद है श्याम कुटी। यह स्थान रत्न सिंहासन के पास ही सघन वृक्षावली के मध्य स्थित है। श्याम कुटी, श्याम कुटी में तो गए थे, जहां भगवान के चरण चिन्ह है। श्री श्याम सुंदर ने श्याम रंग की कस्तूरी का अंगों में अनुलेपन कर श्याम रंग के अलंकार, श्याम रंग के ही वस्त्र धारण कर श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश किया, तो गोपियां भी उनको पहचान न सकी। अब गोपियां भी उनको पहचान नहीं पाई। तत्पश्चात पहचानने पर उनकी बड़ी